असलम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस एनालिसिस एंड इंटरप्रटेशन ऑफ थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट विद एग्जाम्पल इसमें मैं सब्जेक्टिव इंटरप्रटेशन के बारे में बताऊँगी तो अनलिसिस और इंटरप्रटेशन के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है मैनुअल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले वो देख लेते हैं हमें चाहिए कि एज क्लाइंट की एज जेंडर मैरिटल स्टेटस क्लाइंट के सिबलिंग्स की एज और उनका जेंडर और क्लाइंट्स के पेरेंट्स क्या अलाइव हैं या सेपरेट हो चुके हैं या उनकी डेथ हो चुकी है ये इंफॉर्मेशन हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बाद हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं हम स्टोरी का कंटेंट एनालिसिस करेंगे उसका दो तरह का मोड होता है हमें प्राइसिस और नीड्स को आइडेंटिफाई करना होता है हीरो की क्या प्राइसिस और नीड्स हैं और हीरो जिस इन्वायरमेंट में रहता है वहाँ की क्या प्राइसिस एंड नीड्स हैं क्योंकि टी टी का बेसिक एम ही नीड्स एंड प्रेसिस को एवेल करना होता है सो वी विल एनालाइज फोर्सेस, फोर्सेस डिराइव फ्रॉम हीरो एंड फोर्सेस डिराइव फ्रॉम द इन्वायरमेंट ठीक है इसके बाद हम देखते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली हमने क्लाइंट से इसके बाद हम हीरो को आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टोरी में हीरो कौन है सारी स्टोरीज़ को पढ़ेंगे हीरो कौन है स्टोरीज में और सबसे पहला हमारा यही स्टेप होता है क्योंकि इसमें अक्सर ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा हीरो भी हो सकते हैं तो उस सेंस में हम ये देखेंगे उस सिचुएशन में हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट ने किसके साथ खुद को ज़्यादा एसोसिएट किया है किसके साथ खुद को ज़्यादा आइडेंटिफाई किया है जिसके साथ ज़्यादा आइडेंटिफाई कर रहा है क्लाइंट जिसमें वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है किस करेक्टर में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है हम ये देखेंगे वही हीरो कहलाएगा और स्टोरी में कौन सा करैक्टर लीडिंग रोल प्ले कर रहा होता है ये हीरो होता है हम हीरो को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो जी हीरो को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने हीरो की करेक्टरिस्टिक्स देखनी है हीरो की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं हम देखेंगे कि स्टोरी में हीरो की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं क्या वो सुपीरियर है सुपीरियर है क्या सुपीरियोरिटी शो की गई है इस सेंस में होगा कि अगर स्टोरीज़ में पावर की बात की है वो सी एबिलिटीज़ की बात की है क्या हीरो में ये भी एबिलिटीज़ हैं ये भी एबिलिटीज़ हैं तो इट्स मीन्स डैट कि हीरो बहुत सुपीरियर है इनफीरियोरिटी सेंस में होगी कि वो इग्नोर हो रहा है उसमें इग्नोरेंस है वो वीक weak है वीकनेस है उसमें डिपेंडेंसी है दूसरों पर डिपेंडेंट है अगर स्टोरी में वो दूसरों पर डिपेंडेंट है अपने फैसले खुद नहीं कर पा रहा तो ये इनफीरियोरिटी है क्रिमिन क्रिमिनलिटी uh, की करेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बताया गया है इस स्टोरी के जरिए फिर मेंटल अबनॉर्मेलिटीज बताई जा सकती हैं स्टोरी हो सकता है कि क्लाइंट अलोन है हीरो में बिलोंगिंगनेस भी हो सकती है वो किसी ग्रुप के साथ बिलोंग है इंगेज है उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ हो सकती हैं कि वो सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है उसमें बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं बहुत हार्ड वर्कर है तो ये उसकी लीडरशिप क्वालिटी को शो करता है और फिर यहाँ फिर यहाँ तो वो कुरलसम हो सकता है कि इंडिया परसेंट में इंगेज है बहुत जगरालू है बहुत मूडी किस्म का जो है स्टोरी में बताया गया है तो ये कुरलसम है तो हम हीरो देखेंगे और हीरो की करेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज़ करेंगे आफ्टर दैट वी विल एनालाइज मोटिवस ट्रेंड्स एंड फीलिंग्स ऑफ द हिरो इसके लिए हम फीलिंग्स और नीड्स एंड प्रेसिस को देखेंगे फीलिंग्स का तो हमें पता चल जाएगा लेकिन जो नीड्स एंड प्रेसिस हैं इसके लिए नीड्स एंड प्रेसिस दो तरह के हैं यहाँ पर इन्वामेंट के अकॉर्डिंग क्योंकि इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो हमें हीरो की नीड्स के साथ साथ हमें इन्वायरमेंट की नीड्स और इन्वायरमेंट की फोर्सेज वग़ैरह को भी आइडेंटिफाई करना है उनको भी एनालाइज़ करना है तो इसके लिए नीड्स एंड प्रेसेस पर मैंने एक एकदा वीडियो बनाई है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं लास्ट पर होता है हम इसके बाद होता है हम आउटकम देखते हैं स्टोरी का क्या आउटकम है इसमें हम हीरो के अकॉर्डिंग ही देखेंगे कि हीरो ने कैसे आउटकम किया है इज़ द होज़ पाथ ऑफ अचीवमेंट डिफ़िकल्ट और इजी हीरो का अचीवमेंट का प्रोसेस कैसा था क्या इसके लिए डिफ़िकल्ट था या इजी था या फिर किस हद तक प्रॉब्लमेटिक था क्लाइंट हीरो अगर किसी मकसद को हासिल करना चाह रहा था तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फ़ेस कर रहा था क्या उसने अपोजिशन की अपोजिशन का लेवल कितना था उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी थी और प्रॉब्लम्स को कम करने की क्या हीरो ने प्रॉब्लम को कम करने की कोशिश की और यहाँ पे इसमें यह भी होता है कि इज़ ही इज़ ही कोअर्सिंग और कोअर्स क्या उस पर ज़बरदस्ती की गई है मजबूरन कोई काम करने को कहा गया है क्या या फिर वो ख़ुद दूसरों पर ज़बरदस्ती कर रहा है वो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो हम ये देखेंगे अपनी स्टोरीज के क्लाइंट की स्टोरीज़ में इसके अलावा एक और चीज़ देखी जाती है कि क्या स्टोरी में हीरो ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है अगर की है तो क्या कोई पनिशमेंट मिली है अगर पनिशमेंट भी मिली है या नहीं तो इसके अलावा क्या हीरो में गिल्ट और शेम की फीलिंग्स हैं अपने अकॉर्डिंग टू द क्राइम ही कमिटेड आफ्टर that हम थीमास देखते हैं थीमास, थीमास में हम देखेंगे हीरो की नीड्स क्या हैं थी, सॉरी थीमा में इस, थीमा इस तरह हम देखते हैं कि हीरो की नीड्स और इन्वायरमेंट की नीड्स और आउटकम इन सब को मिलाकर क्या थीमा निकल रहा है क्या थीमा बनता है तो वो हम एनालाइज कर लेंगे तो फ्रेंड्स ठीक है ये मैनुअल के अकॉर्डिंग है हमने देखना है हीरो कौन है हीरो के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हीरो की नीड्स एंड ड्राइव्स क्या हैं हीरो जिस इन्वायरमेंट में रहता है वहाँ की फोर्सेस क्या हैं और थीमाज और आउटकम क्या है अब हम एक एग्जांपल के ज़रिए इसकी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन डिस्कस करते हैं क्लाइंट है फिफ्टीन ईयरस और फिफ्टीन ईयर्स ओल्ड बॉय has been referred to the clinic by his parents because of their concern about his withdrawal and poor performance at school। इस क्लाइंट की पंद्रह साल का एक क्लाइंट है बुआ है और सबसे छोटा है घर में और उसके अपनी फैमिली के साथ कोई खास रिलेशन नहीं है क्योंकि वो इग्नोर होता है और इसके अलावा स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है अब हम उस पर हथमेटिका परसेप्शन टेस्ट किया है उसके कार्ड नंबर वन के अकॉर्डिंग उसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन करते हैं कार्ड नंबर वन जिसमें एक बॉय है और इसके पास एक वायलन है उस पर क्लाइंट की क्या स्टोरी है सबसे पहले हम स्टोरी को पढ़ते हैं स्टोरी मैं रीड आउट करती हूँ आई थिंक दिस इज़ अ मशीन गन या इट इज़ अ मशीन गन द बॉय इज़ टेरिंग एट इट मे बी ही गॉट इट फॉर हिज बर्थडे और स्टॉल इट और समथिंग पॉज अब पॉज लिया है उसके बाद ओके दिस बॉय आई विल कॉल हिम हसन फाउंड दिस मशीन गन अ ब्राउनिंग ऑटोमेटिक राइफल इन हीज गराज ही कीप इट इनज रूम फॉर प्रोडक्शन वन डे ही डिसाइडेड टू टेक इट टू स्कूल टू क्वाइट डाउन द जॉक्स डैट लॉड इट और एवरी वन नो बडी बोडन हिम आफ्टर डैट बिकॉज दे न्यू ही कैप्ट दो इस स्टोरी में ये बताया गया है कि क्लाइंट ने यह बताया कि क्लाइंट अच्छा यहाँ पर स्टोरी में क्लाइंट ने यह किया है कि जो एक वॉयन दिखा बताया दिख रहा है क्लाइंट को उसने वॉयन को एसोसिएट किया है मशीन गन के साथ वॉयन के लिए वायलन के लिए मशीन गन का वर्ड यूज़ किया है ये नहीं बताया कि ये गिटार है या वायलन है ये कहा गया है कि ये एक मशीन गन है तो ये एक मशीन गन है और वो उसे गू रहा है ये मशीन गन यानी कि ये एक गन उसे एक राइफल है और ये उसे या तो बर्थडे पार्टी पर मिली है या तो इसने कहीं से चोरी की है या कहीं से आई है उसके पास इसे या तो गिराज से मिली है और अब वो इसे अपने पास रखेगा अपनी प्रोडक्शन के लिए क्योंकि वो बुली होता है स्कूल से थ्रेटन किया जाता है सब उसका मजाक उड़ाते हैं जिसने सोचा कि ये उसे अपने स्कूल लेकर जाएगा और जिस दिन वैसे स्कूल लेकर जाता है एक दिन वो लेकर भी जाता है तो कोई भी उसे तंग नहीं करता है क्योंकि सबको पता है कि उसके पास एक गन है तो अब इसकी इंटरप्रटेशन करते हैं अब आप देखें ये एक ये फॉर्म है देखें ये एक ये फॉर्म है जिस जिसपे हम इंटरप्रटेशन करते हैं जिसकी हेल्प से इसमें जो पॉइंट्स हैं वो सब हम फिल करेंगे अभी तो जिस फॉर्म पे आ जाते हैं मेन थीम थीम हम सबसे लास्ट पे इसको लिखते हैं सेकंड पॉइंट पे आ जाए मेन हीरो हीरो की एज फिफ्टीन इयर्स है यहाँ पर बताई गई है और बॉय है सेक्स जेंडर इसकी बॉय है वोकेशन वो एक स्टूडेंट है और एबिलिटीज इंटरेस्ट ट्रेड्स वगैरह ये सब वैसे हमें जब दूसरे कार्ड भी एडमिनिस्टर करेंगे तो ओवरऑल एवेलन की जाएगी तो पता चल जाएगा फिर मेन नीड्स एंड ड्राइव ऑफ द हीरो क्योंकि देखा आपने उसको भुली किया जा रहा है हीरो को भुले किया जा रहा है ना सब उसका मजाक उड़ाते हैं उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहे हैं पेरेंट्स भी कोई केयर गिविंग ठीक से नहीं कर रहे हैं तो उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है लव की जरूरत है और इसके अलावा आप देखें यहाँ पर ड्राइव्स में से मैं आपको शो करती हूँ ये नीड्स एंड ड्रेसेस की लिस्ट है इसमें देखें इसमें एग्रेशन क्योंकि क्लाइंट अग्रेसिव हो रहा है ना अपनी अगर क्योंकि वो पैसिव पैसिविटी है क्लाइंट में दूसरे बच्चों को ये नहीं कह सकता कि आप यहाँ मजाक ना उड़ाएं तो इसीलिए जब गन मिलती है तो उस गन के जरिए अपनी एक पावर और अपनी अथॉरिटी पैदा करना चाहता है उन सब के ऊपर तो क्लाइंट एग्रेसिव हो रहा है तो यहाँ पर फिजिकल एंड सोशल एग्रेशन आएगा टू किल और डिफेंड वन सेल्फ इन सेल्फ डिफेंस इसलिए मैंने यहाँ पर एग्रेशन की नीड्स लिखी हैं क्योंकि क्लाइंट ने एग्रेसिव होकर खुद को डिफेंड करना शुरू कर दिया है तो हम मेन नीड्स और ड्राइव्स लिख देंगे उसके बाद है यहाँ पर है बिहेवियरल नीड्स ऑफ़ वो पैसिव है।, है।, है और एग्रेसिव है फिगर ऑब्जेक्ट्स और सरकम स्टांसिस इंट्रोड्यूस यहाँ पर मशीन गन इंट्रोड्यूस करवाई गई है राइफल इंट्रोड्यूस करवाई गई है जोक्स को कंट्रोल करने के लिए बुली को कंट्रोल करने के लिए और यहाँ पर क्लाइंट ने जो वायलिन है वायलिन के लिए मशीन गन का वर्ड यूज किया इसको उसको इसके साथ एसोसिएट कर दिया है फिगर ऑब्जेक्ट कोई ओमिट नहीं किया गया बस ये है कि सब्सटीट्यूट कर दिया गया है वायलिन को जो मशीन गन के साथ अब इसके बाद है कंसेप्शन ऑफ इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट माहौल वर्ल्ड यहाँ पर हीरो को कैसा लगता है हीरो के लिए एक थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट है ना जब एक बच्चे को जब एक स्टोरी है कि उसमें बुली किया जा रहा है उसको सब उसका मजाक उड़ाते हैं घर में भी कोई अच्छा नहीं रह रहा है उसके साथ स्कूल में भी नहीं है उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है तो उसके लिए इन्वायरमेंट थ्रेटनिंग होगा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग मैं दिखाती हूँ आपको ये नीड्स के चार्ज में हम इन्वायरमेंट के चार्ज में फोर्सेस फोर्सेस ऑफ द हीरो एंड इसके अकॉर्डिंग पर आप देखें अनकॉन्जेमेंट इस कैटेगरी में की नीड्स कर रहे हैं कि हीरो uh, का जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह का है वो अनकॉन्जेन इन्वायरमेंट है अनकॉन्जेन <coughs> इस सेंस में कि इन्वायरमेंट उसके साथ ठीक नहीं है कोई उसे पसंद नहीं कर रहा कोई म्यूचुअल सिंपथी नहीं है किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है और किसी में उसको इंटरेस्ट नहीं है ना उसको किसी में इंटरेस्ट है और वो डिसलाइक और रिजेक्ट किया जाता है तो इसीलिए क्लाइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टोरी के जो हीरो है उसके अकॉर्डिंग अनकोजनियल इन्वायरमेंट है अब आ जाए पेरेंटल फिगर्स पर पेरेंटल फिगर्स पेरेंटल फिगर्स आर सीन एज अन इनवॉल्व यहाँ पर अन मैं कहूँगी इनको क्योंकि जब उनको ये नहीं पता कि उन बच्चे के साथ स्कूल में क्या हो रहा है वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को ख़ुद ही फेस कर रहे हैं ना उनके साथ कॉप नहीं कर पा रहा अपने घर वालों के साथ डिस्कस नहीं कर पा रहा तो ये अनवॉल्व पेरेंटिंग होगी रिसर्च बताती हैं कि बच्चे बुली तब किए जाते हैं जब उनको अटेंशन ना दी जा रही हो घर पे या उनके पेरेंट्स सेपरेट हो चुके हों या डिवोर्स हो चुके हों उनकी या फिर कोई प्रॉब्लम हो उनको और इसके अलावा यहाँ फिर उनके घर का ऐसा माहौल हो कि उनके जो सिबलिंग्स हैं वो खुद बच्चे को भुली करते हैं सिबलिंग्स खुद बच्चे को तंग करते हैं तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि बच्चा स्कूल में बुली हो रहा हो तो इस केस में भी ऐसे है यहाँ पर तो बच्चे को इग्नोर किया जा रहा है स्टोरी के अकॉर्डिंग इग्नोर किया जा रहा है तो यहाँ पर अन इन्वॉल्व पेरेंटिंग कहलाएगी कॉन्टेम फिगर यहाँ पर सेम एज का फिगर होता है तो एक सेकेंड पेरेंटल फिगर्स आर सीन एज अनवॉल्व एंड सब्जेक्ट्स रिएक्शन टू इट एज एग्रेशन वो एग्रेसिव है सेम कंटेम फिगर होता है सेम एज क्योंकि यहाँ पर नहीं शो किया गया तो इसलिए हम इसको फिल नहीं करेंगे जूनियर फिगर भी नहीं बताया गया यहाँ पर सिग्निफिकेंट कन्फ्लिक्ट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट नजर आ रहे हैं हमें स्टोरी में उसके बाद एंग्जाइटी के नेचर कैसे हैं यहाँ पर इनमें से लॉस ऑफ लव है इस पिक्चर के अकॉर्डिंग डिफेंस मेन डिफेंस अगेंस्ट कन्फ्लिक्ट एंड फेयर्स क्या डिफेंस यूज किए गए हैं जी यहाँ पर कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ किया गया है तो आइसोलेशन इंट्रोडक्शन सब में से अगर मैं देखूँ तो स्टोरी के अकॉर्डिंग इस स्टोरी के अकॉर्डिंग प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म यूज हुआ है क्लाइंट अपनी फीलिंग्स को अपने इमोशंस को एट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पर स्टोरी में सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट स्टोरी में जो सब्जेक्ट है वो भी अग्रेसिव है क्लाइंट भी अग्रेसिव है स्टोरी में सब, जो सब्जेक्ट है उसको भी भूली किया जा रहा है और क्लाइंट के भी कुछ हालात ऐसे हैं उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ठीक नहीं है इसको अगर हम हिस्ट्री में और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो हमें बहुत से एस्पेक्ट्स पता चलेंगे नेक्स्ट एडिकुएसी ऑफ सुपर ईगो एज मैनीफेस्टेड बाई पनिशमेंट फॉर क्राइम बींग अगर है कि इसमें किसी पनिशमेंट या क्राइम की बात की होती है तो हम इसको फील करते हैं नहीं की गई तो आगे चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द ईगो मैनीफेस्टेड मैनीफेस्टिंग इट्स सेल्फ इन अच्छा भाई यहाँ पर ईगो कैसी है क्लाइंट की हीरो की हीरो की ईगो कैसी है स्टोरी के अकॉर्डिंग तो भाई इनएडिक्यट ईगो शो की गई है तो इसकी स्ट्रेंथ नहीं है उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है कोप करने के लिए वो बुली हो रहा है बच्चे उसको तंग कर रहे हैं मजाक उड़ा रहे हैं वो कुछ कर नहीं पा रहा था तो उसकी इन एडिक्रेट ईगो है आउटकम अगर देखते हैं तो आउटकम स्टोरी में तो हैप्पी आउटकम है कि अब उसके पास राइफल आ गई है तो अब उसको कोई तंग नहीं करेगा वैसे ही अनहैप्पी आउटकम है स्टोरी के अकॉर्डिंग ये हैप्पी है आउटकम है थॉट प्रोसेसेस कैसा है थॉट प्रोसेसेस भी यहाँ पर इन थॉट प्रोसेसेस प्रोसेसिस हैं तो जी हमने थीम थीम की बात थी थीम देख लेते हैं थीम क्या है थीम यहाँ पर अग्रेशन का थीम होगा क्योंकि हम देखते हैं कि क्या सक्सेस है फेलियर है एग्रेशन है जेलसी है या सेक्शुअलिटी वगैरह है तो यहाँ पर थीम अग्रेशन का थीम है सो so फ्रेंड्स ये थी एक स्टोरी की एग्जाम्पल मैंने एक स्टोरी को आपको बताया कि कैसे एक स्टोरी में आप इन सब चीज़ों को कैसे एनालाइज करेंगे कैसे इन सब का एनालिसिस करना है तो एक स्टोरी को लिखने के बाद फिर बाकी स्टोरीज भी होंगी वो हम इस तरह कर लेंगे तो उसके बाद लास्ट में जब हम इंटरप्रिटेशन लिखते हैं उसके लिखने का तरीका तरीकाकार ऐसे ही आप इसमें से देखते हुए हम लिखते जाएंगे उसको हम इस तरह लिखेंगे प्रोजेक्टिव रिवील दैट द क्लाइंट्स डोमिनेंट नीड्स आर नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड लव वैन अवर दीज नीड्स रिमेन अनफुलफिल्ड ही बिकम एग्रेसिव एंड परसीव हिज इन्वायरमेंट एस स्वेटर एंड इनसिक्योर द क्लाइंट्स नेचर ऑफ एंगजाइटी एंड एंगजाइटी अबाउट लॉस ऑफ लव सो टू बैलेंस ईगो एंड रिड्यूज एंग्जाइटी द क्लाइंट यूज डिफेंस मैकेजमोक्शन तो आप इस तरह से हम लिखते हैं इसके इंटरप्रटेशन को ये एक मैंने एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाया है सो फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इनशा नेक्स्ट वीडियो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अल्लाह हाफिज़